अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लेक्चर 2 की तरफ बढ़ेंगे, जिसके अंदर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप को डिस्कस करना है। दूसरी लैंग्वेजेस की तरह यहाँ पर भी आपके पास कंडीशंस के लिए इफ एल्स वगैरह के स्टेटमेंट अवेलेबल हैं और लूप्स अवेलेबल हैं। हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं टेस्टिंग करने के लिए कि सिंटेक्स क्या होगा। मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं नंबर टाइप के। एक ए वेरिएबल है 20 वैल्यू के साथ, एक बी वेरिएबल 30 वैल्यू के साथ है। मैं चेक करता हूँ कि क्या ए बड़ा है बी से। सो वी नो दैट कि ए बी से बड़ा नहीं है। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो देखते हैं कि ये क्या चीज़ प्रिंट करता है कि नहीं करता। ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये मैंने कंसोल में मैसेज प्रिंट किया ताकि वी कैन सी कि क्या बना है। इसको सेव करता हूँ और पेज को जाके रिफ़्रेश करता हूँ और हम देख सकते हैं कोई मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। इसको मैं क्लियर करके दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो वी कैन सी दैट कि कोई मैसेज कंसोल डॉट लॉग पर प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज हमारी कंडीशन मीट नहीं की। लेकिन अगर मैं साथ इसके एल्स भी लगाना चाहता हूँ तो आई कैन यूज़ एल्स, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो इसका अल्टरनेट होगा कि ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। इसको देख लेते हैं इस पर रिजल्ट क्या आएगा। इसको सेव करते हैं एंड अगर तो ए की वैल्यू बी से बड़ी होती तो ये प्रिंट होता, वरना ये तो इस दिस केस में हमारे पास ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए कंसोल डॉट लॉग पे। सेव किया, यहाँ पर गया, इसे क्लीन कर दिया, इसको रिफ्रेश करते हैं तो वी कैन सी दैट कि हमारे पास मैसेज प्रिंट हो गया। तो इन 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 शॉर्ट इफ़ और एल्स का सिंटैक्स सेम है जो आप दूसरी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आपके पास स्विच स्टेटमेंट भी है सेम सिंटैक्स के साथ, यू कैन लर्न दैट बाई योर सेल्फ। फॉर लूप को देखते हैं। फॉर लूप के अंदर सेम सिंटैक्स है कि पहले आप इनिशियलाइजेशन करेंगे। सो आई एम गोइंग टू डिक्लेयर अ वेरिएबल आई, 0 के साथ इनिशियलाइज किया, फिर मैं कहूँगा आई लेस देन 5 सेमी कोलन आई प्लस प्लस। जो हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स होता है क्या वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वगैरह करते हैं ताकि हमारा आई बढ़े और कंडीशन को इम्पैक्ट हो। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ देखने के लिए कि रिजल्ट क्या आ रहा है, तो हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ आई इज़, और यहाँ पर मैं कंकेट के लिए प्लस का साइन यूज़ करूँगा और मैं कहता हूँ कि आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। इसको चला के देखते हैं। सेव किया, यहाँ पर गया, इसको क्लीन कर दिया और इसको रिफ्रेश किया तो वी कैन सी दैट कि हमारे पांच जो लूप चली होगी वो 5 दफ़ा चली। पहले 0, 1, 2, 3, 4, जब 5 हुआ होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी होगी और लूप ख़त्म हो गई होगी। तो यू कैन अगेन सी कि हमारे पास फॉर का सिंटैक्स सेम है जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर है। इसी तरह आपके पास वाइल लूप भी एग्जिस्ट करती है। अगर आपने वाइल को इस्तेमाल करना है तो आपको अपना वेरिएबल बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप डिक्लेयर पहले करेंगे और फिर यहाँ पे आगे कंडीशन लगाएंगे अपनी, जो भी कंडीशन लगाना चाहते हैं आप, और वाइल के अंदर आप अपना काम करेंगे जो आप काम करना चाहते हैं। हम सेम काम करना चाहते हैं कि हम आई की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं जो हमारे पास आई आई वेरिएबल है। इसको यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया और फिर हमने चूंकि लूप को ब्रेक ही भी करवाना है इसलिए हम आई प्लस प्लस कर देते हैं ताकि हमारी लूप कंटिन्यू रहे। इसको मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ जाके मैं क्लीन करके दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। तो नाउ वी कैन सी दैट कि जो हमारे पास नए वाले वैल्यूज़ आ रही हैं वो ये आ रही हैं, 0, 1, 2, 3, 4, सेम सिंटैक्स है। सो दिस शुड बी नो कन्फ्यूजन इन दिस। इस तरह हमारे पास डू वाइल लूप भी एग्जिस्ट करती है। अगर आपने डू वाइल लूप इस्तेमाल करनी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आई वेरिएबल को ही दोबारा इस्तेमाल कर लेता हूँ। आई को 0 से इनिशियलाइज़ किया और यहाँ पर हम आई को प्रिंट कर देते हैं और फिर हम आई को प्लस प्लस करते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या आई लेस देन 5 है कि नहीं है। सो ये हमारे पास सेम सिंटैक्स है जैसा दूसरी लैंग्वेजेस में है। अगर मैं इस लूप को चलाता हूँ और थोड़ी देर के लिए इस सिंटैक्स को कमेंट कर देता हूँ टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, ये मैंने कमेंट कर दिया सारा सिंटैक्स और अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता। क्लीन करते हैं और इसको रिफ्रेश किया तो वी कैन सी दैट कि लूप चल रही है। अगर आपको लूप्स का बेसिक कंसेप्ट का आइडिया है तो ये आपको बिल्कुल सिमिलर लगेंगे जैसे आप पहले कर चुके हैं इस्तेमाल। इसके बाद ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एक लूप हम बार में देखेंगे, फॉर ईच की लूप भी होती है, उसको हम अरेज के साथ देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो क्या हैं उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। वो ये हैं कि सी शार्प वगैरह में अगर आपने काम किया हो तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है कि इफ़ के अंदर कोई ना कोई जो चीज़ है वो बुलियन होनी चाहिए तब वो इफ़ स्टेटमेंट चलती है। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी का रिजल्ट बुलियन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ, अब मैंने इफ़ के अंदर ए लिख दिया है और ए एक नंबर है तो ए एक स्ट्रिंग भी हो सकता था, एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकता था, नल भी हो सकता था, अनडिफाइंड भी हो सकता था, डेट भी हो सकता था, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता था। अब जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, आपको एरर नहीं देगी बल्कि इस वैल्यू को कन्वर्ट करेगी ट्रू या फॉल्स में। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 0 होती तो वो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर लेता, अगर ए की वैल्यू 0 के अलावा होती तो वो ट्रू में कन्वर्ट कर लेता।
अगर यहाँ पे स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग होती तो वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाती, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग ना होती तो वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाती, अगर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती तब भी फॉल्स बन जाता, नल होता तब भी फॉल्स बन जाता, अगर ऑब्जेक्ट नल है तब भी फॉल्स होगा, अगर ऑब्जेक्ट में कुछ पड़ा हुआ है नल नहीं है तो वो ट्रू में कन्वर्ट होगा, राइट। सो यू कैन चेक दीज वैल्यूज़। सो अपने पॉइंट याद रखना है कि इफ़ के अंदर कोई भी चीज़ देंगे तो वो उसको ट्रू या फॉल्स में एवेल्यूएट करेगा एवेंचुअली, वो आपको एरर नहीं देगा। सो आई होप सो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स की और लूप्स की हो गई होगी इस वीडियो के बाद। थैंक यू।